चलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को जबा देता है। वाला सलामत रखे किबला तशरीफ फरमाए। मैं फरमाइएगा, कहा जाता है कि तीन तारीख चांद की महस होती है, 13 तारीख चांद की महस होती है, लेकिन कमाल देखिए अल्लाह का निजाम ही तब्दील करके रख दिया। शाबान की तीन को मौला हुसैन की आमद, शाबान की तीन तारीख मुबारक हो गई, रजब की 13 तारीख मौला अली की आमद, रजब की 13 तारीख मुबारक हो गई। अब लोग कहते हैं महस तारीख में आप जश्न मनाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जिक्र मौला करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, शौकत साहब का कलम उतार कहते हैं कि तीन शाबान है, जहूर हुसैन आखिरी आदमी तक हाथ उठा के दुआ चाहता हूं, तीन शाबान है जहूर हुसैन, 13वीं को अली ने आना है, आप ना 3 में ना 13 में आपने जश्न क्या मनाना है। यही बेदारियां चाहिए, यहां से लेकर आखिरी वाला को चाहने वाले थे। ये जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये यकीनन विलायत अली का नूर है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने अशाब से कि अगर तुम्हें देखना हो कि तुम्हारी महफिल में मोमिन कितने हैं, मुनाफिक कितने हैं, तो उसके सामने मेरे भाई अली का जिक्र कर लिया करो। चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। आपके चेहरे खिले हुए हैं, इसलिए इस कलाम का इंतखाब कर रहा हूँ, लेकिन चाहूंगा ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर आप ये कलाम पढ़ें। हर एक लम्हा हर एक जान आवाज आ रही है, आप तक सलामत रहे, जरा हाथ उठाइए मिलकर बोलिए अली अली बोले, अली अली बोले, हर एक लम्हा हर एक जान, अली अली बोले, अली अली बोले, जो जितना पाक है उतना, जो जितना पाक है सलामत रहे, जो नारे लगा रहे, सलामत रहे जो आओ। अली अली बोले, शिया वो है कि जो मिसाल में समेत हमारा, शिया वो है कि जो सफा कटे तो ज्यादा अली مدینہ
बहुत शुक्रिया जजाक साहब। खुदा आप सबको सलामत रखे। जुमला मोमिन उमलात की सेहत सलामत के लिए हसन शाह साहब की अरबानी महीने का की सेहत सलामत के लिए बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अली अली बोले अली अली बोले बोले माशाल्लाह 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 मदीना सैयद और अली अली ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बड़ा शेर पेश करने लगा बहुत बड़ा शेर पेश करने लगा इसका हक अदा करने की कोशिश कीजिएगा। दिल जमैन साहब लिखेंगे कहां ये कह के रब ने पढ़ा ये कह के रब ने पढ़ा अर्श पर अली का निकाह ये कह के रब ने पढ़ा अर्श पर अली का निगाह। दूसरा मिसरा सुनोगे ये कह के रब ने पढ़ा अर्श पर अली का निगाह मैं चाहता हूँ कि जहरा अली अली ज़ुल्फ़िकार अली की तरह से ये भी खामोश है ज़ुल्फ़िकार अली की तरह से ये भी खामोश है ज़ुल्फ़िकार अली की तरह से ये भी खामोश इमाम नमाज पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो रुख कहाँ होता है खाने काबा की तरफ। कौन से काबे की तरफ जो अल्लाह का घर है वो कौन सा घर जो 13 रजब से पहले बुतखाना था अली की आमद से वो पाक हो गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है हम खाने काबा की तरफ रुख कर नमाज पढ़े या खुद खाने काबा में जाकर नमाज पढ़े और अली को याद ना करें। झुकाया सर को सचा खाने अली की तरफ झुकाया सर को सचा खाने अली की तरफ इसीलिए मेरा सजदा अली अली हो। क्या बात है क्या बात है अली अली हो शेर पढ़ने लगा। ये हमारे मान है कि मौला अपना जिक्र सुनने जरूर आते हैं हमारी ये अलग बात है कि हमारी निगाहें मौला को नहीं देख पाती लेकिन एक नारा हम सब मिलकर ऐसा लगाएं क्योंकि उस नारे अगर इस शेर से पहले नारा ना लगा तो वो अधूरा लगेगा और जब नारे लगाने के बाद आप शेर सुनेंगे तो आप कहेंगे हाँ हमको यही बनना था। दोनों हाथ बुलंद करके यहाँ से लेकर वहां जितने अंदर खड़े हाथ बुलंद करके बोले बोले नारा नारे है दर लगा सरे महफिल ये कैसा नारे है दर लगा सरे महफिल के खुद भी वजद में परेशान होते हैं लोग जब से देखो अली अली किए जा रहे हैं अली अली किए जा रहे हैं अली अली किए जा रहे हैं। सुनिएगा सुनाई देता रहेगा जहाँ को हश्र तलक सुनाई देता रहेगा जहाँ को हश्र तलक नबी कदीर में इतना अली अली बोले
लोगों की ज़बान पर है बोझ का ताला, मुनाफिकों की ज़बान पर है बोझ का ताला। वो इश्क सच्चा तो तमाम जिंदगी फरहान होया हो सकले। अली अली सुना जा, अली अली बोले, अली अली बोले, अली अली बोले, अरे बम अली अली बोले, अली अली। एक फरमाइश है।